हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, सम नंबर 34 मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। राम और श्याम साझेदार हैं जो क्रमशः 3/5 और 2/5 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। उनका स्थिति विवरण निम्न है। दायित्व पक्ष में पूंजी दी है, सबसे पहले राम की 2 लाख और श्याम की 1 लाख रुपये। देन लेनदार दिया हुआ है 40,000 रुपये, टोटल 3,40,000। एसेट्स यानी संपत्तियाँ, संपत्ति पक्ष में हमें दिया है रोकड़ 65,000, देनदार 1 लाख, जिसमें से घटाया संचय 40,000, तो बचे 60,000 रुपये। स्टॉक 1,50,000, यंत्र 65,000, इधर का भी टोटल आ गया 3,40,000। उन्होंने घनश्याम को इस शर्त पर कि वह व्यापार में 1,00,000 रुपये ख्याति के तथा नई फर्म का 1/3 भाग प्राप्त करने के लिए यथेष्ट पूंजी देगा, फर्म में प्रवेश देने का निश्चय किया। यह भी निश्चित किया गया कि डूबत ऋण के लिए संचय 10,000 रुपये रखा जाए, स्टॉक 2,00,000 रुपये पर पुनः मूल्यांकन किया जाए एवं यंत्र का मूल्य 50,000 रुपये कर दिया जाए। उपरोक्त विवरण से आवश्यक खाते बनाइए। इन इंग्लिश, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड कैपिटल, राम 2,00,000 रुपीज, श्याम 1,00,000 रुपीज, क्रेडिटर्स 40,000, 3,40,000 टोटल। एसेट साइड कैश 65,000, डेटर्स 1,00,000, लेस रिजर्व 40,000, 60,000 डेटर्स टोटल। स्टॉक 1,50,000, मशीनरी 65,000, टोटल 3,40,000। They decide to admit Ghanshyam in the firm on the condition that he will pay 1,00,000 rupees for goodwill and sufficient capital for getting 1/3 share in the profit of new firm. It was also decided, first point, to reduce the bad debts reserve to ₹10,000. Second, to revalue the stock at ₹2,00,000, and third, to reduce the value of machinery to 50,000. Prepare necessary accounts from above information. सबसे पहले कैलकुलेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वही हम मान लेते हैं कि फर्म का जो टोटल शेयर प्रॉफिट है वो है 1, एंड उसमें से हम घनश्याम का 1/3 शेयर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर है वो हमें पता चल जाएगा। तो 1 माइनस 1/3, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो हमारा जो फर्म का बाकी पार्टनर्स का बचा हुआ शेयर है वो आ जाएगा 2/3। ओके, तो राम का न्यू शेयर, राम्स न्यू शेयर 2/3 जो पार्ट है रिमेनिंग प्रॉफिट उसको हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे राम और श्याम के बीच में, ताकि हमें उनका न्यू रेशो पता चल जाए। तो 2/3 × 3/5, तो राम का न्यू रेशो आ जाएगा 6/15। श्याम्स न्यू रेशो, रिमेनिंग जो 2/3 शेयर है प्रॉफिट का उसका 2/5 पार्ट, यानी 2/3 × 2/5, तो ये आ जाएगा 4/15। अब घनश्याम के रेशो की बात करते हैं। घनश्याम का रेशो हमें दिया हुआ है 1/3, तो बाकी दोनों पार्टनर्स के जैसे इक्वल करने के लिए हम इसमें 5 का इंटू कर देंगे, 1 × 5 एंड 3 × 5, तो घनश्याम का जो शेयर है वो जाएगा 5/15।
तो इस टाइप से फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 6:4:5। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय घनश्याम। हमें सम में घनश्याम कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये नहीं बताया है, ओनली एक हिंट दी है कि जो घनश्याम है वो 1/3 शेयर के लिए एप्रोप्रिएट जो भी कैपिटल होगी वो लेकर आएगा। तो हम चेक करेंगे कि उसे कितनी कैपिटल लाने की ज़रूरत है। फॉर दैट हम राम और श्याम की टोटल एडजस्टेड कैपिटल देखेंगे। 2/3 शेयर के लिए उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है उस अकॉर्डिंग 1/3 शेयर के लिए घनश्याम कैपिटल लेकर आएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं हम, राम और श्याम की एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ कैपिटल हमें दिया हुआ है राम का 2 लाख रुपीज़ एंड श्याम का 1 लाख रुपीज़। इसमें हम ऐड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का जो अमाउंट है घनश्याम 1 लाख रुपीज़ गुडविल कर लेके आया है, और ये 1 लाख रुपीज़ गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 3:2:2 के रेशो में डिवाइड किया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा राम का 60,000 एंड श्याम का 40,000। देन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और उसके थ्रू जो हमें प्रॉफिट होगा उसको भी हम डिवाइड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ, 65,000 रुपीज़। इस टोटल प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 65,000 को भी हम 3:2:2 में डिवाइड करेंगे तो राम का शेयर आ जाएगा 39,000 एंड श्याम का शेयर आ जाएगा 26,000। इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी राम और श्याम की। तो राम की एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 39,000 इज इक्वल्स टू 2,99,000। 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 26,000 इसका टोटल हो जाएगा 1,66,000। ओके सो टोटल कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम, राम और श्याम की टोटल कैपिटल हम कर लेते हैं 2,99,000 प्लस 1,66,000। इन दोनों को टोटल करेंगे हम तो आएगा 4,65,000। ओके एंड राम एंड श्याम का टोटल शेयर कितना है, 2/3। ओके सो हम इफ़ एंड देयर फॉर के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इफ़ कैपिटल फॉर 2/3 पार्ट इज़ 4,65,000 देन कैपिटल फॉर 1/3 पार्ट इज इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4,65,000 इंटू 1/3 एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में यानी हर में जो 2/3 हमारा है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ऊपर, एंड इंटू में जो वैल्यू है यानी जो 2/3 है वो रिवर्स हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके तो 4,65,000 इंटू 3/2 इंटू 1/3 इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,32,500 रुपीज़। सो घनश्याम विल बी ब्रॉट कैश फॉर कैपिटल इज रुपीज़ 2,32,500। ओके यानी घनश्याम को इतना अमाउंट एज कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है तो ये तो था हमारा कैलकुलेशन पार्ट। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताती हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया था कि प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पर, बट रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कैसे बनाया वो हम देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। सब में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन।
हमें बोला है मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो हम एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, दैट मीन्स ये लॉस है, लॉस डेबिट साइड जाएगा। तो टू मशीनरी अकाउंट, 65,000 की मशीनरी 50,000 वैल्यू हो रही है उसकी, यानी 15,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो टू मशीनरी 15,000, देन रिजर्व को डिक्रीज करना था, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 30,000 रुपीज़, एंड देन बाय स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ की जा रही है, जो कि पहले 1,50,000 थी, क्या 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, ये बेनिफिट है, बाय स्टॉक 50,000। ओके, सो टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ऑब्वियसली ज़्यादा है, 80,000 रुपीज़, उसमें से हम माइनस करेंगे, डेबिट साइड में लिखा है 15,000 उसे, तो बैलेंस आएगा हमारा 65,000 रुपीज़। ये है प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम एंड श्याम के बीच में इसको 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो राम के अकाउंट में आ जाएगा 39,000 एंड श्याम के अकाउंट में आएगा 26,000, यानी टोटल 65,000। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा 80,000 एंड 80,000। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारा जो फॉर्मेट है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स राम श्याम एंड घनश्याम, एंड क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स राम श्याम एंड घनश्याम। सो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे हम, बाय बैलेंस BD, राम 2 लाख रुपीज़ एंड श्याम 1 लाख रुपीज़, देन प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज़ जो लेकर आया है घनश्याम, जो कि राम और श्याम के बीच में 3:2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल राम के अकाउंट में 60,000 एंड श्याम के अकाउंट में 40,000, देन बाय रिवेल्यूएशन अकाउंट, अभी हमने प्रॉफिट जो फाइंड आउट किया वो 39,000 राम के कॉलम में और 26,000 श्याम के कॉलम में, देन लास्ट बाय कैश अकाउंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय घनश्याम, हमने अभी कैलकुलेशन में देखा, घनश्याम के कॉलम में हम लिखेंगे 2,32,500 रुपीज़। ओके, इसके अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो डेबिट साइड में आए, तो हम क्रेडिट साइड के टोटल करके बैलेंस लिख लेते हैं। राम का टोटल आ जाएगा 2,99,000, श्याम का टोटल 1,66,000, घनश्याम का टोटल है 2,32,500। तो इन टोटल्स को हम डेबिट साइड में बैलेंस में लिख लेते हैं। टू बैलेंस CD, 2,99,000, 1,66,000 एंड 2,32,500। तो दोनों साइड के टोटल्स इक्वल कर लेते हैं, 2,99,000, 1,66,000 एंड 2,32,500। ओके, तो इस तरीके से ये सम भी कंप्लीट हो गया हमारा। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।